be fine. As you know that due to COVID-19, we have started our online classes. So let's start our lesson. Today we are going to discuss the question answers of unit number 4, collecting things. Start. Question number 1 is what kind of things do people collect? Yani log kis kisam ki cheeze jama karte hain? To answer hai janab, people collect every kind of things, stamps, shells, butterflies, stones, hats, matchboxes and many other things. यानी कि लोग जो हैं वो जमा करते हैं different types की डाक टिकट्स जमा करते हैं, seashells जमा करते हैं, butterflies जमा करते हैं, stones यानी पत्थर, hats जमा करते हैं, caps यानी टोपियाँ, matchboxes जमा करते हैं और कई और दूसरी चीजें. Question number 2 है, why do you think one should not pick more flowers than one needs? यानी कि हम लोगों को एक से ज़्यादा या जितने हमें रिक्वायर्ड हैं फ्लावर्स उससे ज़्यादा क्यों नहीं फ्लावर तोड़ने चाहिए. आंसर, वन शुड नॉट पिक मोर फ्लावर्स देन वन नीड्स बिकॉज इट इज वेस्टिंग, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. कि एक से ज़्यादा जब फ्लावर्स हम तोड़ते हैं हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये वक्त का ये उस फ्लावर्स का ज़िया है, यानी कि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है. सो हमें उतनी ही चीज उतने ही फूल लेने चाहिए, उतने ही तोड़ने चाहिए जितने हमें अपनी रिकॉर्ड बुक में लगाने के लिए रिक्वायर्ड हो. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई वाज स्टैंप कलेक्टिंग सो पॉपुलर. क्यों स्टैंप कलेक्टिंग यानी डाक टिकट्स को कलेक्ट करना इतना पॉपुलर, इतना फेमस या इतना मशहूर क्यों था इन द पास्ट? जैसे कि वाज लिखा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये बात पास्ट की हो रही है. स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, स्टैम्प कलेक्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी, मशहूर थी, बिकॉज स्टैम्प्स वर ईजी टू ऑप्टेन. यानी जो स्टैम्प्स थी वर ईजी, आसानी से टू ऑप्टेन हासिल हो जाती थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द डिटेल्स यू वुड राइट इन योर रिकॉर्ड बुक. जैसे कि हमने अपने चैप्टर की रीडिंग में पढ़ा था रिकॉर्ड बुक के बारे में, जिसके अंदर हम अपना प्रिजर्व किया हुआ फ्लावर रख लगाते हैं, पेस्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे है आप किस तरह से उसके अंदर डिटेल्स किस किस्म की तफसीलात है आप उस फूल के बारे में लिख सकते हैं या उस लीफ के बारे में लिख सकते हैं. तो आंसर है जनाब, आई कैन राइट द नेम. मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर साइज, शेप एंड कलर. हम उसका साइज लिख सकते हैं, किस तरह की शेप है उस फ्लावर की, कलर लिख सकते, कलर के बारे में लिख सकते हैं ऑफ द फ्लावर. आई कैन ऑल्सो राइट Where and when I found it. और फिर उसमें ये भी लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ कि मैंने कहाँ से और कब उस फूल को लिया या कहाँ से वो मुझे मिला. Question number 5 is why do you think newspaper is used in flower press? यानी फ्लावर को प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं तो newspaper यानी अखबार उसमें क्यों यूज होता है, उसको प्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, ताकि उसके बाद उसको रिकॉर्ड बुक में पेस्ट किया जा सके. Newspaper is used, इस्तेमाल होता है अखबार in the flower press, फ्लावर को प्रेस करने में, दबाने में, because it absorbs, क्योंकि वो जज्ब कर लेता है the juice of the flower, फ्लावर के जूस को, और जो फ्लावर के जूस को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फ्लावर जो होता है वो ड्राई हो जाता है और हम अपनी रिकॉर्ड बुक में हम उसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं. एंड हमारी डायरी है आज, टुडेज डायरी इज Learn question answers and also note down in your notebooks. Okay, Janab, thank you. Allah Hafiz.